नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रमोहन पटेल और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और ये वीडियो उनके लिए सहायक होगा जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो, केवीएस हो और छत्तीसगढ़ का टेट हो, एमपी टेट हो, संविदा वर्ग 3, वर्ग 1, 2, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कि बाल विकास पूछा जाता है, उन सब में ये सहायक सिद्ध होगा। संक्षेप में कहें तो टीचिंग एग्ज़ाम जो भी जिसमें कि चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाता है उसमें ये वीडियो सहायक सिद्ध होगा। तो इसको ध्यान से देखना है आपको, और इस वीडियो को देखने के बाद आपसे जीन पियाजे से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, और ये थे, इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं, मैंने ये फ़ोटो लगाई हुई है, और ये हैं जीन पियाजे, और इनका समय काल था 1896 से 1980 तक। ठीक है, 1896 के लगभग में इनका जन्म हुआ था और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये थे स्विट्जरलैंड के। आपको कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है जो संज्ञानात्मक सिद्धांत का विकास दिया है वो व्यक्ति कौन है, या फिर उनकी नेशनैलिटी या राष्ट्रीयता। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे राष्ट्र, तो वो कहाँ के रहने वाले हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो वो थे स्विट्जरलैंड के, और उन्होंने दिया था सिद्धांत कौन सा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक होता क्या है? संज्ञान मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता। तो बच्चों में सोचने समझने की क्षमता किस आयु में होती है और किस आयु में कितना विकास होता है, इस बारे में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे एक जाने माने मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने अपने बच्चों पर एनालिसिस किया, खुद के बच्चों को जो है अवलोकन किया और फिर सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती है बल्कि उसका विकास होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसकी बुद्धि का विकास होता है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में विकास की चार अवस्थाएं बताई हैं जो कि इस प्रकार हैं। ठीक है, पहली है संवेदी पेशी अवस्था, और जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। संवेदी पेशी अवस्था को हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। कई बार इंद्रिय जनित गामक अवस्था लिखा मिलेगा आपको, और कई बार संवेदी पेशी अवस्था। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था, मैं इसका नाम इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो ये थी 0 से 2 वर्ष तक चलती है। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये चलती है 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष तक, और औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 11 से 15 वर्ष तक। तो आपको इनके क्रम भी याद रखना है, ठीक है, कि किसके बाद कौन सी अवस्था आती है, ताकि आपको इनके वर्षों को याद रखने में आसानी हो। तो 2 मिनट आप वीडियो को यहीं पे पॉज करें और इनको जल्दी से याद कर लें। तो 1, 2, 3 और 4, तो ये सारी हैं। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, और दूसरी है, तो आपको क्रम याद रखना है, क्रम बहुत आवश्यक है इसमें। कई बार पूछा जाता है कि इसकी तीसरी अवस्था कौन थी या दूसरी अवस्था कौन थी, तो आपको क्रम जरूर याद रखना है। ठीक है, तो पहली कौन सी थी, पेशी गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे हम इनकी विशेषताएँ भी पढ़ेंगे, तो देखते हैं आगे। और इंग्लिश में यदि आप नाम याद करना चाहें तो ये याद कर सकते हैं। इसमें मैंने लिखा है सेंसरी मोटर अवस्था, ठीक है, स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज होती है 0 से 2 साल तक। फिर है प्री ऑपरेशनल, ठीक है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक है। फिर है कंक्रीट ऑपरेशनल, और फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये सारी इनकी विशेषताएँ भी, इनको आप एक नज़र में याद कर सकते हैं, या फिर नोट्स बना रहे हैं तो इनको लिख सकते हैं। फिर हम देखते हैं, इसको हिंदी में पढ़ते हैं। पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताईं, ये हमने पीछे देखा। अब हम इनको बारी बारी से देखेंगे कि किस अवस्था में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। जीन पियाजे ने विकास की अवस्थाओं में जो पहली अवस्था बताई थी वो थी संवेदी प्रेरक अवस्था। इसको हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, या फिर इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसमें 0 से, इसका काल याद रखना है आपको, 0 से 2 वर्ष तक होती है संवेदी प्रेरक अवस्था। और इसमें बच्चा जो सीखता है या फिर अपनी अभिव्यक्ति करता है सिर्फ अपनी इंद्रियों के माध्यम से। आप जानते हैं इंद्रियां कौन कौन सी हैं, बच्चा जो भी सीखेगा या फिर अभिव्यक्त करने की कोशिश करेगा तो वो सिर्फ अपनी इंद्रियों के माध्यम से करेगा। जैसे कि बच्चे को भूख लगेगी तो वो बोल तो सकता नहीं, क्योंकि उस समय भाषा का विकास नहीं होता है बच्चे का, तो वो क्या करता है, रोने लगता है, हाथ पैर छटपटाता है, ठीक है, पैर जमीन पे मारता है, तो इससे माँ को पता चल जाता है कि बच्चा भूखा है। तो अपनी इंद्रियों के माध्यम से वो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहा है। इसमें होता है 0 से 2 साल की अवधि में। तो आपको याद रखना है भाषा के विकास इसमें नहीं हुआ है, सिर्फ इंद्रियों के माध्यम से बच्चा अपने अभिव्यक्ति का अभिव्यक्त कर रहा है। दूसरी
जो अवस्था है उसमें कहा गया है, उसका नाम क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व मतलब पहले और दूसरी है मूर्त, ठीक है। तो पूर्व जो पहले है वो है दूसरे नंबर की, इसका क्रम लिख देता हूँ 1, 2, 3 और ये 4। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है। अभिव्यक्ति का माध्यम इनकी भाषा हो जाती है, ठीक है। 2 वर्ष के बाद बच्चा छोटे छोटे वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे उसकी भाषा का विकास होने लगता है। वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ठीक है। विभेद कर देता है, कोई गाय जा रही सामने से तो गाय को पहचान लेगा, भैंस है तो भैंस को पहचानने लगता है 7 वर्ष तक वो। तो वस्तुओं को पहचानना स्टार्ट कर देता है बालक। और आत्मकेंद्र का भाव, मतलब इस समय उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता है, वो समझता है कि जो भी वस्तु है सिर्फ उसके लिए ही बनी है। जैसे वो चांद तारों को देखेगा, उसको लगेगा सिर्फ ये मेरे लिए बने हैं, ठीक है। तो ये होता है आत्मकेंद्र, ठीक है। अपने ऊपर केंद्रित होता है बच्चा, किसी भी चीज़ को पाना चाहता है, अपना अपना जो है प्रभुत्व जमाना चाहता है हर चीज़ में। तो ये होता है आत्मकेंद्र की भावना। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये चलती है 7 से 11 वर्ष तक। इसमें वस्तुओं का वर्गीकरण शुरू कर देता है। वर्गीकरण मतलब जैसे कोई जानवर की कैटेगरी अलग है, इंसानों की कैटेगरी अलग, ठीक है। जानवरों को पहचानना अलग बात है, ये भैंस है, ये बिल्ली है, लेकिन वो इस समय तक ये समझने लगता है कि ये सारे जानवर हैं, गाय, बिल्ली, भैंस। और यदि कोई इंसान है तो वो समझ जाएगा कि ये इंसान है, ठीक है। दूसरी और तीसरी में कन्फ्यूज़ नहीं होना। पहली में क्या कर रहा है, बच्चा सिर्फ पहचान रहा है कि ये है, फलाना ये है, लेकिन तीसरी में क्या कर रहा है, वर्गीकरण करना सीख ले रहा है कि ये इंसान कहलाते हैं। 10 लोग खड़े हैं तो ये इंसान का समूह है, जानवर खड़े हैं, बिल्ली, कुत्ता, भैंस, तो ये पहचान जाएगा कि ये जानवरों का समूह है। तो ये चीज़ होती है 7 से 11 वर्ष में। फिर बच्चा प्रत्यक्ष वस्तुओं और घटना के बारे में सोचता है, जो सामने हैं वस्तुएँ, ठीक है, जिसको वो देख पा रहा है, सिर्फ उन्हीं के बारे में बच्चा जो है सोचता है। जो सामने नहीं है उनके बारे में बच्चा चिंतन नहीं करता है। इस अवस्था तक 11 साल तक उसका इतना दिमाग नहीं चलता है कि कोई चीज़ वस्तु नीचे गिर रही तो वो क्यों गिर रही है। प्रश्न पूछने, जो क्यों वाला प्रश्न होता है ना, वो करने की जो उसकी क्षमता होती है वो विकसित नहीं हो पाती है। इस तरह वो सिर्फ ये देखता है कि सामने क्या है और उसके बारे में सोचता है। तो सिर्फ घटना के बारे में सोचता है और जो सामने है उनके बारे में सोचता है। वहीं यदि हम चौथी जो स्टेज की बात करें तो ये है अमूर्त संक्रियात्मक। इसका नाम आप याद रखें, अमूर्त संक्रियात्मक। और इसका एक और नाम याद रखना है आपको, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक भी नाम आता है एग्ज़ाम में, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसमें समय है 11 से 15 वर्ष, ठीक है। 11 से 15 वर्ष तक इसकी बुद्धि का विकास हो जाता है, ठीक है। संप्रत्ययों का विकास हो जाता है। संप्रत्यय क्या होता है, संप्रत्यय मतलब विचार या आइडिया। तो सोचने विचारने की तर्क क्षमता आ जाती है, तर्क करने की क्षमता आ जाती है, किसी भी चीज़ के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में उठने लगते हैं, ठीक है। फिर है अमूर्त वस्तुओं व घटनाओं। अमूर्त मतलब जो सामने नहीं है, जैसे यदि कोई वस्तु ऊपर से गिरी तो वो सोचेगा ये गिर तो रही है लेकिन क्यों गिर रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। जो सामने नहीं है, ईश्वर, ये सब, इन सब में उसका दिमाग चलने लगता है। तो ये है अमूर्त वस्तुओं या घटनाओं के विषय में तर्क व चिंतन का पूरी तरह से विकास, ठीक है। चिंतन करने की शक्ति उसमें आने लगती है, वो सोचने लगता है चीज़ों के बारे में। जो सामने नहीं है उनके बारे में भी सोचता है कि कैसे बनी, क्या हो रहा है, ये वो। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, चिंतन का मतलब होता है आँख बंद भी करोगे आप, कुछ सोच रहे हैं किसी वस्तु के बारे में, किसी कारण के बारे में, तो उसको कहते हैं हम चिंतन करना। तो ये चारों थी जीन प्याजे की विकास की अवस्थाएँ। और ये आपको क्या करना है, इनका क्रम याद रखना है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कौन सी है, आपसे पूछा जा सकता है चौथी कौन सी थी, आपको याद होना चाहिए इनका नाम। तो आप वीडियो को पॉज करें और इनके जो समय काल हैं 0-2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, ये सब याद रखें। और दूसरी बात, इनके नाम अच्छे से याद रखें। और तीसरी बात, इनका क्रम याद रखें। बस इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा जीन प्याजे के बारे में। और वो कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे, बस। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई सा क्वेश्चन आप गलत करेंगे। इससे संबंधित हम आप क्वेश्चन करेंगे। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो आप समझ नहीं आता कि आपने कितना सीखा, और उसका जो एप्लीकेशन होता है, जितना भी सीखा है हमने सिद्धांत, उसका आप अनुप्रयोग नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन हमेशा लगाना है, कुछ भी आप पढ़ते हैं तो कम से कम उससे संबंधित 10 क्वेश्चन तो ज़रूर करें, डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। तो ये सारे मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं जो कि पहले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं।
पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आंख कान एवं नाक से सोचते हैं? तो आपको बताना, पहली तो आंख कान नाक ये क्या है, हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है, इंद्रियां हैं ये। तो इंद्रियां जो बच्चा इस्तेमाल कर रहा था, इंद्रियों का वो कर रहा था संवेदी प्रेरक अवस्था में। याद कीजिए आप, मैंने बताया था यहाँ पर संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चा इंद्रियों का इस्तेमाल करता है, तो वही आपसे पूछा जा रहा है तो कि कौन सी अवस्था में बच्चा इंद्रियों का इस्तेमाल करता है। उसका आंसर है संवेदी प्रेरक अवस्था। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। अब यहाँ पर आप कुछ कीवर्ड्स देख सकते हैं, जैसे कि तार्किक, ठीक है, चिंतन। हमने देखा था तार्किक और चिंतन की जो अवस्था है वह थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक। बच्चा चिंतन करना प्रारंभ करता है चौथी स्टेज में, जब बच्चा 11 साल से बड़ा हो जाता है। तो ये थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर हमारा हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक चीज़ और, जब भी आप क्वेश्चन देखें तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करें कि आपको कितना याद है, तभी आप जो है इसको ज़्यादा सीख पाएंगे और लंबे समय तक याद रख पाएंगे, ठीक है, सुनने से बस कुछ नहीं होगा। तो प्रश्न तीसरा है, बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ये पूछा गया है किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास की चार अवस्थाओं की पहचान की थी। तो ये किसने किया था, अभी अभी हमने पढ़ा है, पियाजे ने, जीन पियाजे ने किया था चार अवस्थाओं की पहचान। कौन कौन सी? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और फिर मूर्त संक्रियात्मक, और फिर लास्ट में था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये चार आपको याद हो जानी चाहिए, आई होप अभी तक आपको याद हो गई होंगी। और वीडियो पॉज करके आप मन में बोलें भी, तभी आपको याद होगा, क्योंकि ये बाल विकास सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें बहुत सारे सिद्धांत आएंगे आगे। तो आप जब भी वीडियो देखें तो पॉज करें, उसको दोहराएं मन में, चीज़ों को याद करें, रटना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि ये नाम है तो जाहिर सी बात है आपको रटना तो पड़ेगा, और इसको समझते हुए रटना है। तो दोनों चीज़ें करना है, तभी आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक का स्तर किस अवधि में घटित होता है? मूर्त संक्रियात्मक हमने देखा था, ये वर्ष मैंने बोला था याद रखना है आपको, तो पहली अवस्था में जन्म से 2 वर्ष था इंद्रिय जनित, 2 से 7 था पूर्व संक्रियात्मक, और मूर्त वाला क्या था? तीसरी अवस्था। तो तीसरी अवस्था क्या थी? 7 से 11 वर्ष। तो आंसर है 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न पांचवा है, वस्तुओं को पहचानना, उनमें विभेदीकरण करना, वर्गीकरण करना, ठीक है, पहचानना तो ठीक है, लेकिन इसमें दिया है वर्गीकरण करना और विभेदीकरण, मतलब इसमें वर्गीकरण पर जोर दिया गया है। तो वर्गीकरण हम कब कर रहे थे? वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, कि ये समूह जानवर हैं, ये इंसान कहलाते हैं, ये निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, ये सजीव की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है, ये तरल पदार्थ हैं। तो ये सब कब होता है? ये होता है तीसरी अवस्था में, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वस्तुओं का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करना प्रारंभ कर देता है। प्रश्न नंबर छठवा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल निम्न में से कौन सा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल कौन सा था? तीसरी अवस्था, और तीसरी अवस्था में आपने देखा था कौन से कब थी ये? 7 से 11 वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। इसलिए मैंने कहा था कि आपको क्रम भी याद रखना है और उनके नाम और फिर उनके ईयर्स, ठीक है, जब आप क्रम याद कर लेंगे तो आपको ये तो याद हो ही जाएगा कि 0 से 2 और 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15। अगला है, प्रथम अवस्था में बालक की विचार अभिव्यक्ति का माध्यम किसे माना जाता है? प्रथम अवस्था में आपने देखा था विचार अभिव्यक्ति करता है बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा, ठीक है, उस समय भाषा के विकास तो होता नहीं है, तो बच्चा जो भी कुछ अभिव्यक्ति करता है या बोलने का प्रयास करता है वो अपनी इंद्रियों के द्वारा करता है, हाथ पैर उठाएगा, पैर पटकेगा, रोएगा, ठीक है, ये सारी क्या कहलाती हैं? इंद्रियां। तो ये है हमारा आंसर, 4th, इंद्रियां। स्मरण शक्ति का सर्वाधिक विकास और रटने पर आधारित ना होकर तर्क पर आधारित किस अवस्था में? तर्क शक्ति का विकास या चिंतन का विकास कब होता है? चौथी अवस्था में, जो कि 11 से 15 वर्ष थी। तो इसका आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
इसमें मैंने जानबूझकर इसका जो क्रम है उसका उलट कर दिया है, ठीक है। औपचारिक ऊपर लिख दिया, पूर्व संक्रियात्मक नीचे लिख दिया, इससे बच्चा जो कन्फ्यूज़ होगा। इसलिए आपको अच्छे से याद करना है कि पहली है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, फिर है पूर्व, फिर मूर्त और फिर चौथी है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये पहले नंबर पर भी लिखा जा सकता है। इसका आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 9 है, बालक का भाषा विकास किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। भाषा विकास कब हुआ था? दूसरी अवस्था में। दूसरी कौन सी थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक थी। तो भाषा का विकास होता है दूसरी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और ये है क्वेश्चन नंबर 10, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित तीसरी अवस्था का नाम क्या है। तीसरी अवस्था का नाम था, आपको पता होना चाहिए, तीसरी अवस्था वही घुमा फिरा के आपसे पूछा जा रहा है। पहली अवस्था थी संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मुझे नहीं लगता कि आप इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आप गलत करेंगे जीन पियाजे का। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं अभी और ऐसे ही वीडियो बनाऊं, ठीक है, बाल विकास से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सा सिद्धांत आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं वो उसको बना दूंगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए स्टडी एज।